सीधे आप सभी को लिए चलते हैं पंजाब के होशियारपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। सभी को शौचालय मिला, बिना भेदभाव सभी को बिजली कनेक्शन मिला, बिना भेदभाव ऐसी योजनाओं ने गरीब और दलित के लिए स्वाभिमान से जीना संभव किया है। यही तो गुरु रविदास जी की सीख है, यही सबका साथ सबका विकास हमारा सुशासन का मंत्र है। रविदास जी ने यह भी कहा है, 100 बरस लव जगत में ही जीवत रही करू काम, रैदास कर्म ही धर्म है, कर्म करहू निह काम। अर्थात 100 वर्ष का जीवन हो तो भी पूरे जीवन हमें काम करना चाहिए। वो कहते थे कर्म ही धर्म है। गुरु रविदास जी की ये भावना हमारी सरकार की कार्य संस्कृति में झलकती है। चुनाव की इस भागदौड़ में भी हमारी सरकार एक पल भी व्यर्थ नहीं कर रही है। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। इसमें भी 25 दिन विशेष तौर पर युवाओं के लिए केंद्रित किए गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। अगले 25 साल के विजन पर भी हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। साथियों, ये भाजपा सरकार का सौभाग्य है कि उसे गुरु रविदास से जुड़ी विरासत को सम्मान देने का अवसर मिला है। काशी में उनके जन्मस्थान का विकास किया जा रहा है। काशी में गुरु रविदास जी के जन्म स्थान पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। वहां लंगर हॉल बना है, म्यूजियम बना है, पार्क बना है, मंदिर के आसपास सड़कें बनी हैं। कोशिश यही है कि आप लोग जब यहां से काशी आए तो आपको वहां परेशानी न हो। और इतना ही नहीं, मैं काशी का सांसद हूं, इसलिए जब भी आप काशी आए ना तो आप मेरे मेहमान हैं। और मैं मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखता हूं। साथियों, काशी में तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। जो लोग वहां जाते आते रहते हैं वो देखते होंगे, हर बार जाएंगे कुछ न कुछ गुरु रविदास जी के चरणों में हमने समर्पित किया है।
लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश में गुरु रविदास जी के विशाल स्मारक का शिलान्यास का अवसर भी मुझे ही मिला था। वहां मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है और वो कार्यक्रम ऐसा हुआ, हजारों गांवों की मिट्टी और देश की सैकड़ों नदियों के जल एकत्रित करके गुरु रविदास जी का भव्य स्मारक मंदिर वहां बनाया जा रहा है। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क का नाम भी गुरु रविदास जी के नाम पर रखा गया है। दिल्ली में भी तुगलकाबाद में गुरु रविदास जी महाराज का जो पवित्र स्थान है उसे और दिव्य बनाना भी ये हमारा संकल्प है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से जमीन की विशेष मंजूरी भी ले ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे पंजाब के होशियारपुर से। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। न पक्ष न विपक्ष, न लेफ्ट न राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब होगा, जिम्मेदारी नहीं, तर्कों पर घमासान, क्या बताना चाहते हैं इस देश को, किससे किसकी ठनी, न्याय की नहीं बनती है, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश, खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल, देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। न पक्ष न विपक्ष, न लेफ्ट न राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते, शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत, संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा, संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की दस्तक, श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।